राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं वैक्सीन लगवाने जाने वाली हूँ। ये देखिए तैयार हुए हैं और ट्रैक्टर में जाएंगे। आज हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, दो तीन दिन से बारिश हो रही थी तो आज उमस बहुत है, तो चलिए चलते हैं। काम अभी कुछ किया नहीं है। ये देखिए खाना बनाया था, बर्तन अभी धोए नहीं है और दो तीन दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं आई है, तो पानी नहीं है बिल्कुल भी। आज देखते हैं आएगी तो, कल थोड़ा बहुत बारिश का पानी भरा था बस। और ये हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है। मैं, ईशांत और रितिका के पापा, हम तीनों जाने वाले हैं। और ये देखिए, चार दिन से लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो रास्ते कुछ ऐसे हो गए हैं, इसलिए हम ट्रैक्टर लेकर आए थे। मोटरसाइकिल का तो रास्ता ही नहीं बचा है और कुछ रास्ते जेसीपी ने ख़राब कर दिए हैं, क्योंकि नहर में पाइप दाबे जा रहे हैं तो बड़े बड़े साधन चलते हैं यहाँ से, तो रास्ते बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। वैसे हमारे यहाँ पानी इतनी जल्दी भरता नहीं है क्योंकि रेतीली ज़मीन है, पर अब की बार तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि पानी भर गया है। और अभी थोड़ा बहुत सूखा रास्ता आ गया है, बस कुछ दूर कच्चा है, उसके बाद सड़क आ जाएगी। हमारे खेत गांव से बहुत ज़्यादा दूर हैं, लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ते हैं, तो इसलिए हमने गांव में घर बनाया है अभी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और बस वगैरह कुछ आती नहीं है हमारे यहाँ, तो कुछ दूर कच्चा चल कर जाना पड़ता है और उसके बाद सड़क आ जाती है। और ये देखिए, ये सड़क आ गई है। सड़क आने पर तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, बस जल्दी ही पहुँच जाते हैं गांव में। और अब की बार हमारे यहाँ के खेत लगभग खाली ही हैं, कुछ बीजा नहीं है, पहले तो बारिश हुई नहीं और अब राम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब बारिश इतनी हो रही है कि परेशान हो गए हैं। तो चलिए अब आप सबसे मिलते हैं वापिस आने के बाद। हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? अभी शाम के 7:15 बज चुके हैं और आज मैं वैक्सीन लगवाने गई थी सुबह। आ तो हम शाम को 4 बजे गए थे, पर 4 बजे के बाद मुझे टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। और हमारे यहाँ 2-3 दिन से लाइट भी नहीं आई थी, 4 बजे हम आए तो तभी लाइट आई हुई थी, तो हमने जल्दी जल्दी पानी भरा, क्योंकि 3-4 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं आई थी तो पानी नहीं था बिल्कुल भी। और फिर शाम के काम स्टार्ट हो जाते हैं, तो अभी टाइम लगा है थोड़ा बहुत आप सबसे बातें करने का। और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, उसकी मैंने तैयारी करके रख दी है, अभी रसोई में बनाएंगे, क्योंकि बाहर तो हमारे यहाँ अभी भी बारिश आई हुई है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और वैक्सीन लगवा कर आई थी आज मैं, तो मुझे तो कुछ हुआ नहीं अभी तक, बुखार वगैरह कुछ भी, और बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, वैसे डर तो बहुत लग रहा था मुझे। तो चलिए अभी सब्जी बना लेते हैं, तैयारी तो कर रखी है, बस छूकनी है अभी। और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है, ये देखिए अभी भी बारिश आई हुई है थोड़ी थोड़ी। और ये देखिए, ये मेरी रसोई है, और बारिश की वजह से सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, सब कुछ अंदर रखना पड़ता है। और आज हमने पानी भरा था, सब कुछ भर भर के रख दिया, डेगचे ड्राम सब कुछ, क्या बता, बारिश के मौसम में 2-3 दिन फिर लाइट ना आए तो परेशान हो जाएंगे। और मेरी खुद की परछाई आ जाती है गैस के ऊपर, हम जब भी सब्जी बनाती हूँ मैं। वैसे तो मैं गैस पर सब्जी बनाती नहीं हूँ, पर अभी बारिश के मौसम में तो गैस पर काम कर लेते हैं सारा। और अभी बारिश बंद हो गई है, बाहर का मौसम देखिए। बिल्कुल अंधेरा हो गया है बाहर,
ये देखिए बाहर कुछ ऐसा नज़ारा होता है हमारे यहाँ शाम को। शाम तो नहीं है, अभी अंधेरा हो चुका है। तो चलिए अभी चलते हैं रसोई में, सब्जी बना लेते हैं। आज मैंने गैस को नीचे रख लिया है और गैस पर कुकर रख लिया था और उसमें तेल डाल दिया है। ये तेल मेरा गर्म हो गया था तो गैस को मैंने बंद कर दिया, क्योंकि गैस तेल को ज़्यादा गर्म करके मैं गैस को बंद कर देती हूँ और उसके बाद उसमें जीरा और प्याज डालती हूँ। सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, नहीं तो फिर महक आती है, कच्चापन आता है थोड़ा सा तेल का। तो अभी गैस को मैंने फिर से चला दिया है। अभी प्याज को 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। और टमाटर आज मैंने काट लिए हैं, मिक्सी में नहीं पीसे हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, अब फिर से बारिश आ गई है, नहीं तो मैं लहसुन और टमाटर मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो प्याज मेरी भुन गई है और अभी मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और टमाटर को ढककर पका लेंगे अच्छी तरह से। और तब तक मैं ये लहसुन कूट लेती हूँ। लहसुन को भी आज मैं ये अदरक कूटने की उखली है इसी में कूट लेती हूँ। सर्दियों में हम चाय में अदरक गिरने के लिए अदरक कूटते हैं इसमें, पर गर्मियों में हम चाय में अदरक डालते नहीं, तो इसलिए मैं कभी कभी इसमें लहसुन कूट लेती हूँ। ये लहसुन मैंने कूट लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर कटोरी में डाल दिया है। अभी इसमें मैं मसाले डाल देती हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया, और आज मैंने नमक भी साथ ही डाल दिया है। ऐसे ही नमक मैं हमेशा ऐसे ही हाथ से डालती हूँ, चम्मच से मुझे अंदाज़ा नहीं आता है, तो हाथ से अंदाज़ा आ जाता है इसलिए मैं हाथ में लेकर डालती हूँ। और ये देखिए टमाटर मेरे पक गए हैं, तो अभी इन्हें थोड़ी सी देर के लिए कड़छी से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। मैं मिक्स कर लेंगे टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से, उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। और टमाटर मेरे में अच्छी तरह से मिक्स हो गए थे तो अभी मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। और अभी मसालों को भी ढककर 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। और ये हमने अंदर मटका रख रखा है पानी पीने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ हम फ्रिज का पानी कम पीते हैं, मटके का ज़्यादा पीते हैं। मटका तो हम हमेशा रखते ही अंदर, बारिश के मौसम में भी और गर्मी में, सर्दी में नहीं रखते बस। और ये देखिए मसाले मेरे पक गए हैं, अब इसमें मैं गोभी और आलू डाल दूंगी। सब्जी की सारी तैयारी मैंने पहले ही करके रख ली थी। बारिश का मौसम है तो कुछ काम तो होता नहीं है, ज़्यादातर बस रोटी सब्जी बनाना और थोड़ा बहुत पशुओं का काम होता है। और अभी तो 3-4 दिन से बारिश हुई तो परेशान भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मिनट मिनट में बारिश आ जाती है। बारिश बस ऐसी होनी चाहिए कि बारिश हुई और फिर साफ मौसम हो जाए, ये 3-4 दिन बारिश होती रहती है तो उसमें बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी सब्जी मैंने डाल दी है और मसाले और सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन लगा दूँगी मैं। पानी तो मैं ज़रूर डालती हूँ हर सब्ज़ी में, क्योंकि मेरा कुकर ऐसा है इसमें गैस नहीं बनती है, थोड़ा सा ख़राब हो गया है ये, तो इसलिए मैं हर सब्ज़ी में पानी ज़रूर डालती हूँ। और ये देखिए आज कभी कभी तो अपने आप बन जाती है और कभी कभी बनती नहीं है, तो आज इसमें गैस नहीं बन रही थी। और आज मैं गैस पर ही दूध गर्म करने वाली हूँ, तो ये दूध रख दिया है मैंने थोड़ा सा। आज तो दूध भी गैस पर ही गर्म करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा दूध तो पहले मैं खाने के लिए गर्म करने वाली हूँ और बाकी का दूध बाद में गर्म कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सब रोटियों के साथ ही दूध लेते हैं। और आज इस कुकर में गैस नहीं बन रही थी, कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इसके ढक्कन पर 2-4 बार ये लाइटर मारने से या कुछ और मारने से इसमें गैस बननी स्टार्ट हो जाती है अपने आप। ये मेरा खुद का बनाया जुगाड़ है, मैं ऐसे ही करती हूँ जब भी इसमें गैस नहीं बनती है, तो अभी इसमें गैस बनने लगी है। और डेगची में मैं थोड़ा सा दूध और छान लेती हूँ और थोड़ा सा दूध गर्म कर लेंगे अभी शाम को रोटियों के साथ खाने के लिए, बाकी का दूध मैं बाद में गर्म करूँगी, क्योंकि अभी तो पहले मुझे रोटी सब्जी बनानी है, नहीं तो ये दूध तो मैं आराम में भी गर्म कर लेती हूँ शाम को भी, 2-3 उपले लगा कर रख देती हूँ। और ये मैंने आटा गूंथ लिया है, मेरी स्टील की जो परात है उसमें खोआ रखा हुआ है, कल परसों के व्लॉग में मैंने आप सबको दिखाया था, तो वो मैंने अभी खाली नहीं की है, बच्चों ने खाया ही नहीं खोआ, तो इसीलिए मैं काठ की परात में गूंथ लेती हूँ आटा।
इतना आसान नहीं होता, इसमें आटा गूंथना चिपकता बहुत ज़्यादा है, पर मुझे आदत है इसमें आटा गूंथने की, तो इसलिए मैं तो आसानी से गूंथ लेती हूँ। और ये मेरी सासू माँ की परात है, पहले काठ की परात इस्तेमाल करते थे, काठ की या पीतल की, अभी स्टील की परात इस्तेमाल करते हैं। तो ये काठ की परात भी हमने रख रखी है, वैसे तो हमारे यहाँ एक मिट्टी की परात भी थी पहले, तो अभी वो फूट गई है, तो अभी सब्जी मेरी बन गई है ये देखिए, और दूध भी गर्म हो गया है। अभी सब्जी को मैं उतार लेती हूँ और अभी रोटियाँ बना लेते हैं। और आज तो पूरा दिन निकल गया, सुबह तो मैं वैक्सीन लगवाने चली गई थी, सुबह एकदम से फ़ोन आ गया, तो सारा काम छोड़कर चले गए थे, बस खाना बनाया था, बर्तन भी साफ़ नहीं किए थे, वो मैंने आपको सुबह दिखाए ही थे, और आकर फिर सारा काम करना पड़ा, आए तब लगे थे और अभी तक काम निमटने में नहीं आया है। बस ऐसा ही होता है, किसी दिन कहीं जाना होता है तो काम समझ में नहीं आता है, सारा काम करके जाओ और फिर आते ही सारा काम करो। तो अभी तो मेरा काम लगभग समाप्त हो गया है, बस अभी ये रोटी और बना लेते हैं और फिर सब खा लेंगे, तो बस उसके बाद काम लगभग समाप्त हो ही जाएगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।